नटपुरवा उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में उपस्थित एक छोटा सा गांव है जहां की जनसंख्या लगभग 10,000 है। नटपुरवा लखनऊ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव की विशेषता यह है कि यहां की हर औरत एक यौनकर्मी, यहां की हर औरत भिक्षावृत्ति में लिप्त है। हर साल हजारों भारतीय लड़कियाँ देह व्यापार के जंगल में छोड़ दी जाती है। एक ऐसा ही गाँव है उत्तर प्रदेश का नटपुरवा। इस गाँव की परम्परा है देह व्यापार अर्थात यौन कर्म वैश्यवृत्ति। लोग दलित लोग थे जो कि इस बिरादरी में नट में आते हैं, जो डेरा डंडा वाले होते हैं। जो ठाकुर लोग पहले थे, जमींदार लोग थे, ब्राह्मण ठाकुर लोग थे, वो पैसे वाले थे और उनके वहाँ किसानी खेती करते थे। दिन भर किसानी खेती करते थे। बहन बिटिया जो रहती थी तो उनके भाई लड़के और खुद भी जो दारू पी के होशावास उतारने के लिए दलितों के घर में बैठते थे, उनको काम पे लगा देते। तो बहनों बेटियों को लालच देके इस तरीके से हरकत करते थे। तो इसी आधार पे ही ये लोग बिजनेस मान लीजिए या वो मजबूरी पे मान लीजिए। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में इस बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी ऐसा करते हैं तो और भी कई रोमांचक, चटपटे और रहस्यमय वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकेंगे। थैंक यू। यह सभी बातें तो एक हिस्सा है इस कहानी का, असली वजह तो कुछ और है। नटपुरवा में रहने वाले लोग एक मार्जिन लाइफ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में अपना जीवन यापन करते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य नाच गाना करके लोगों का मनोरंजन कर पैसा कमाना है। इनमें से कुछ लोग इस समाज में क्रिमिनल प्रति के हैं जो लोगों को फंसा कर पैसा लूटना जानते हैं। यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग अपनी बेटियों बहनों को ज़बरदस्ती इस धंधे में धकेल देते हैं और इन लड़कियों को परिवार के दबाव में यह सब करना पड़ता है। पर एक औरत है जो इस परंपरा के विरुद्ध बोलती है और इसके खिलाफ खड़ी है। इनका नाम है चंद्रेखा। हमारे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं वैश्या बनूं, लेकिन हमारी जो दादी थी वो कह रही थी कि ये अगर हमारे गांव की परंपरा नहीं थी कि पहले कभी शादी नहीं होती थी गांव में, तो उन्होंने कहा कि अगर ये दूसरे के घर में जाएगी तो मार डाली जाएगी। और ऐसा है कि जो हमारे यहाँ ये वैश्यावृत्ति हो रही तो जो सारे गाँव में हो रही तो क्या फ़र्क पड़ता, तो उन्होंने मुझे वैश्यावृत्ति में डाल दिया था। Chandralekha says she didn't have a choice back then. गलत तो लगता है, गलत उसी दिन से लगता है जब औरत के पास एक आदमी के बाद दो, दो के बाद चार, चार के पांच, पांच पांच के बाद छः, हजारों आदमी आ जाते हैं उस महिला के पास। तो अच्छा तो तभी से खराब लगने लगता है, लेकिन एक मजबूरी होती है, एक पेट की हवस होती है और एक कि अब हम मैं बन ही चुकी तो मुझे करना तो पड़ेगा। अब जब उस चीज़ में उतर ही आई हूँ तो अब तो कुछ हो नहीं सकता है, तो बुरा तो तभी से लगने लगता है। लेकिन वो सब कुछ सहती है, आए दिन वो मरती रहती है, अपनी ज़िंदगी किसी प्रकार से गुजारने के लिए उसे करना ही पड़ता है। चंद्ररेखा के साथ 20 साल पहले एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उन्हें अंदर से झिझोड़ कर रख दिया और उन्होंने नर्तिका का काम छोड़ दिया। तो मैं नाचने गई थी तो वहाँ एक ठाकुर से हमारी लड़ाई हो गई, उसने मुझे गाली वाली दे दी कि माँ की गाली उसने दे दी। तो मुझे बहुत उस समय मुझे तैस आया कि देखिए कि हकीकत में एक वैश्या की ज़िंदगी का कोई इमेज नहीं होती है, एक वैश्या तो वैश्या। फिर मैंने उसी समय वो लौट के घर आई और वहाँ दो दिन तक नाच गाना हुआ। उसके बाद मैं वहाँ खाना दो दिन रही लेकिन खाना नहीं खाई, मुझे इतनी गुस्सा और मैं रोती ही रही। फिर घर जब वापस आई तो मैंने कसम खा ली कि आज के बाद मेरे पैरों में कभी घुंघरू नहीं बनेगी। उस दिन से फिर मैंने घुंघरू का त्याग कर दिया। किसके बेटे हैं? प्रोस्टिट्यूट वैश्याव्रति के बच्चे, ये साले महारामी होंगे क्योंकि इनके बाप का पता ही नहीं किसके बेटे हैं। तो ये सवाल एक आते हैं और जब इस टाइप के सवाल जब आते हैं तो बच्चों को ऐसा नहीं कि बुरा नहीं लगता होगा, जरूर बुरा लगता है, मुझे पूरा विश्वास है बुरा लगता हो, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं। राम बाबू हैज बीन वर्किंग विद एन एनजीओ कॉल्ड आशा ट्रस्ट टू हेल्प वुमेन इन्वॉल्वड इन प्रोस्टिट्यूशन। एफर्ट्स बाय हिज एनजीओ हैव ब्रॉट अ चेंज इन एटीट्यूड। ओवर इयर्स दे हैव कन्विंस्ड मोर एंड मोर वुमेन
to break the tradition and embrace a different future. He says 60% of the women have successfully left their past behind, but challenges remain. अगर इनमें अगर परिवर्तन हो तो उनको पहले एक ऑप्शन है रोजी रोटी का सवाल आ रहा है. अगर रोजी रोटी उनको ठोस विकल्प के रूप में रखा जाए तो लोग उसके बारे में सोचेंगे. और अगर लंबे समय से अगर परिवर्तन करना है उसका भी एक विकल्प हो सकता है कि जैसे हमारे कामचंद लेखा बहन ने बोला कि एजुकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जब एजुकेशन नहीं है तो वहाँ पर जो दूसरे कहेंगे वही करेंगे. डॉक्टर बनना चाहती हो? क्यों डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? इलाज करना, गरीबों की दवा देना, सब देखना. इस गांव में वैश्यावृत्ति का काम बेटियां और बहनें करती हैं, जबकि बहुएं इससे कोसों दूर होती हैं. हमारी मम्मी के और हमारी दादी के वजह से हम मुझे वैश्यावृत्ति में लाया गया. अच्छा, तो आप कितने उम्र से मतलब इस काम में हैं? मेरी उम्र 15 से 16 साल तक थी. ये काम कौन करवाता है? ये हमारे गांव में होता था तो देख देख के एक दूसरे को माँ बाप करवाने लगे होगी. हमारे से इस गांव के बारे में, यहाँ वैश्यावृत्ति की सदियों से परंपरा चली आई है और यहाँ के जो बाप और भाई अपनी बेटियों को अपनी बहनों को धंधे में डालते हैं. पहले गांव में ही धंधा हो रहा था, अब यहाँ की जो लड़कियां हैं वो बम्बई और दुबई जैसे महानगरों में भेजी जा रही हैं. कम उम्र की 13-14 साल की आयु में लड़कियां बम्बई और दुबई भेजी जा रही हैं. एक तरफ जहाँ हमारे देश में महिला सशक्तिकरण की बात बड़े ही जोरों शोरों से चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हरदोई का ये जिला जहाँ पे वैश्यावृत्ति के नाम पर जबरदस्ती महिलाओं को इस नरक में ढकेल दिया जाता है. आपने इसका विरोध नहीं किया? हमने विरोध इसका इसलिए नहीं किया कि हमारे गांव में ऐसा होता था, अगल बगल पास पड़ोस में सब लोग ही करते थे, तब कोई नहीं पता था कि ये गलत काम है या जलालत की जिंदगी है, इसलिए हमने नहीं विरोध किया. एक उम्र के बाद जब लोग आपके पास नहीं आते हैं तो उसके बाद फिर जीवन कैसा हो जाता है आप लोगों का? जीवन दूभर हो जाता है, तब कोई पूछता नहीं है. जो भी लड़कियां जवानी में कमाती उनके माँ बाप उनके भाई बहन खा जाते हैं, बाद में उन लड़कियों को जिंदगी में समझ लो उनकी मौत हो जाती है. हमारी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों. हमारी इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों. तो फिर थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में. बाय बाय.